मुंबई में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी हो गई है। रजिस्टर्ड मैरिज सोनाक्षी के बांद्रा वाले अपार्टमेंट पर हुई है। इसके बाद रिसेप्शन हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें रजिस्टर्ड मैरिज के बाद उस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा जहीर इकबाल को तिलक लगाते हुए नजर आए हैं। रजिस्टर्ड मैरिज के दौरान सोनाक्षी सिन्हा पिता शत्रुघ्न का हाथ थामे हुए नजर आई हैं और इस मैरिज के बाद सोनाक्षी जहीर का रिसेप्शन शिल्पा शेट्टी के बेस्टियन रेस्टोरेंट में रखा गया, जहां हुमा कुरैशी और जहीर के पेरेंट्स के साथ कई सेलेब्स ने भी शिरकत की है। और ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप तस्वीरें देखिए, जहीर और सोनाक्षी एक दूजे के हो गए हैं और काफ़ी चर्चा इस शादी की लगातार पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में की जा रही थी। सोनाक्षी ने खुद ये तस्वीरें शेयर की हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने लिखा कि अब हम पति पत्नी हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने शादी की तस्वीरों को साझा किया है और बेहद वो खुश दिखाई दे रही थी। हालांकि पिता शत्रुघ्न इस दौरान थोड़े से भावुक भी हो गए थे जब रजिस्टर्ड मैरिज हो रही थी। उस दौरान वो अपने पिता के साथ वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने पिता का हाथ थामे हुआ था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वेडिंग के दौरान की तस्वीरें हैं और सोनाक्षी सिन्हा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। सोनाक्षी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी इन तस्वीरों को साझा किया है। तो सोनाक्षी और जहीर इकबाल ने आज शादी कर ली है और कपल की जो रजिस्टर्ड मैरिज है सोनाक्षी के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा जहीर इकबाल को तिलक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सोनाक्षी ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की है और शादी की तस्वीरें शेयर की हैं। तो शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा परिवार से गले मिलती हुई नजर आई हैं। शादी के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा सोनाक्षी के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा ने जब जहीर इकबाल को तिलक लगाया। तो सोनाक्षी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि अब हम पति पत्नी हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने शादी की तस्वीरों के साथ लिखा है कि आज ही के दिन 7 साल पहले 2017 में हम एक दूसरे की आंखों में प्यार का सबसे शुद्ध रूप हमने देखा और उसे हमने कायम करने का फैसला किया। आज उस प्यार ने हमें सभी चुनौतियों और जीत में रास्ता दिखाया। इस लम्हे तक हमें पहुँचाया है जहाँ हम दोनों परिवारों और ईश्वर के आशीर्वाद के बाद अब पति पत्नी बन गए हैं। तो तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की हैं सोनाक्षी ने और बताया कि 7 साल से वो दोनों रिलेशन में थे और इस रिलेशन को उन्होंने शादी के बंधन में पहुंचा दिया है। और नीतीश शाह संवाददाता हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। आरुषि श्रीवास्तव न्यूज़ रूम से हमारे साथ लाइव हैं। नीतीश, पहले आपका रुख करते हुए, इस वेडिंग की खूब चर्चा हो रही थी और अब मॉनसून वेडिंग के जरिए एक दूसरे के हो गए हैं सोनाक्षी और जहीर। ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी सोनाक्षी ने कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे सोनाक्षी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट किया था, 7 साल का ये बेहतरीन खूबसूरत सफर रहा है, कभी अंजाम नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर, एक बेहद खूबसूरत जो है मोड यहाँ पर, ये रिश्ता जो पहले रिलेशनशिप में था अब शादी के तर्ज पे जो है कन्वर्ट हुआ है, यहाँ से और बेहद खूबसूरत मोड जो है इस रिश्ते को दिया गया। हालांकि शुरुआत में बहुत सारे अटकलें थी, बहुत सारी चर्चाएं थी, अफवाहें थी कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है उनको शादी से खुश नहीं है, काफी अलग अलग चर्चा जो है चल रही थी। लेकिन जब शत्रुघ्न सिन्हा ने ये सारी अटकलों को खारिज किया और उसके बाद जब आज ये शादी हुई है, अब इस वक्त जो है दादर के कोहिनूर स्क्वायर में जो है बेस्टियन रेस्टोरेंट में रिसेप्शन चल रही है। डॉक्टर आदित्य राय हैदरी पहुंची है, उमा कुरैशी पहुंची है और अर्पिता खान, आयुष शर्मा, ये बड़े सितारे जो है पहुंच रहे हैं। हनी सिंह जो है मुंबई से बाहर थे लेकिन उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि क्योंकि सोनाक्षी की शादी है वो मैं मिस नहीं कर सकता, इसलिए वो भी मुंबई पहुंचे और अब से थोड़ी देर में जो है वो भी रिसेप्शन में शिरकत करेंगे और बड़े बड़े जो नाम है वो अब से थोड़ी देर में जो है इस रिसेप्शन में जो है शिरकत कर सकते हैं। आज का दिन कह सकते हैं बेहद अहम और बेहद खूबसूरत ये कपल के लिए रहेगा। बिल्कुल, आरुषि भी हमारे साथ हैं। आरुषि, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हीरा मंडी की जो स्टार कास्ट है वो भी इस शादी में शरीक होगी, इसके साथ ही सलमान खान को सबसे पहले इनविटेशन मिला था, और कौन कौन से दिग्गज, कौन कौन से मेहमान इस शादी में शरीक हुए हैं? सलमान खान को दिया गया क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने बकायदा ये बात कही है अपने एक इंटरव्यू में कि वो अपने हस्बैंड से, जो उनके हस्बैंड है वो उनसे मिली ही थी सलमान खान के थ्रू।
सलमान खान के थ्रू वो एक पार्टी में गई थी और वहाँ पे उनका फर्स्ट टाइम आई कॉन्टैक्ट हुआ इनसे, और वहीं पे इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा आ गया था कि हाँ हमें अपने आगे की ज़िंदगी जो है एक साथ ही बितानी है, और उसके बाद एक 7 साल का सफ़र जो है इन दोनों ने साथ में बिताया। और इस बात को हालांकि इन्होंने कभी पब्लिक नहीं किया कि ये दोनों एक साथ रिलेशनशिप में है, कभी भी सोनाक्षी सिन्हा ने ओपनली इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया है और ना ही जाहिर ने इस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन दोनों एक दूसरे के बर्थडेज पर अक्सर पोस्ट किया करते थे, काफ़ी रोमांटिक पोस्ट करते हुए नज़र आते थे। जाहिर का एक बहुत ही कह सकते हैं एक पोस्ट है जो हमेशा वायरल होता है कि वो जब भी सोनाक्षी सिन्हा को देखते हैं वो उनको भो करके डराने की कोशिश करते हैं, और सोनाक्षी सिन्हा और उनका ये जो वीडियो है वो अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल रहता है। तो ये दोनों कपल्स जो है ये सोशल मीडिया के जो फेवरेट कपल कहलाते हैं उनमें से एक हैं, और लोगों को इनकी वीडियोज़ देखने में काफ़ी पसंद आता है, और लोगों को इनकी वेडिंग की इन फ़ोटोज़ का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। 2 दिन से हम उनकी फ़ोटोज़ का बहुत वेट कर रहे थे, और आज फाइनली जब उनकी फ़ोटोज़ आई सामने तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि इतनी सारी मुश्किलों के बाद जब उन दोनों का जब ये फोटो जब सामने आई, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं कहा जाता था कि उनकी मदर जो है वो शादी को लेकर नाखुश हैं, उनके ब्रदर जो है शादी को लेकर नाखुश हैं, लेकिन उनके पिताजी पूरी शादी के दौरान उनके साथ उनके बगल में खड़े हुए नजर आए। सोनाक्षी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, और जैसे उनके हस्बैंड ने फादर का जब आशीर्वाद लिया तो सारी तमाम अफवाहें चली, लेकिन शत्रुघ्न ने उन तमाम अफवाहों को खामोश कर दिया। नीतीश हमारे साथ है। नीतीश, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा एक बार ये कह चुके हैं कि उन्हें दामाद के रूप में बेटा चाहिए था, वो घर दामाद चाहते थे, और जो तस्वीरें सामने आई उसमें इंटरेस्टिंग तस्वीरें थी जब तिलक लगाते हुए शत्रुघ्न सिन्हा दिखाई दिए जहीर को, और जहीर ने भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया, बेटा बनेंगे जहीर। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बेहतरीन बहुत खूबसूरत सवाल किया है आपने। जिस कल की बात में बताओ आपको, कल जब मेहंदी का रस्म खत्म हुआ, कल जब शत्रुघ्न सिन्हा रामायण बंगले से बाहर आए थे, समय शत्रुघ्न सिन्हा और जहीर इकबाल को साथ में देखा गया था, उस समय भी शत्रुघ्न सिन्हा ने जो है जहीर इकबाल को गले से लगाकर मीडिया के थ्रू संदेश दिया लोगों को कि जो अफवाह चल रही है, जिन जिन चीजों को लेकर चर्चा हो रही है तो सारी गलत है, और उन सारी चीजों को जो है खामोश कर दिया गया। आज भी शादी की बात करें खास करके तो कानून का पालन करते हुए कानून प्रक्रिया के तौर पर जो है ये शादी की गई है, ना कि हिंदू रीति रिवाज के तहत या मुस्लिम रीति रिवाज के तहत। तो ये चीज भी यहाँ से साफ संदेश दिया गया है कि यहाँ पर जो है एक रिश्ता बेहद महत्वपूर्ण रखता है, ना कि रीति रिवाज, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी धर्म या मजहब के तौर पर शादी होती तो कहीं ना कहीं एक दूसरा, अगर हिंदू धर्म के हिसाब से शादी होती तो हो सकता है दूसरा समुदाय या दूसरे समुदाय के तौर तरीकों से शादी होती तो ये समुदाय नहीं होता। इसलिए बेहद यहाँ पर सेफ और बेहद खूबसूरत रास्ता चुना गया, कानून के तरीकों से जो है शादी की गई है, तो बेहद बेहतरीन ये एक मैसेज जो है समाज के लिए भी गया है कि जहाँ पर एक रिश्ता एक प्यार ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ना कि रीति रिवाज जो है वो। बिल्कुल आरुषि, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि बड़ी ही सादगी से दोनों ने ये शादी की है, और इससे पहले भी जो हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें आई थी उसमें भी एक जैसी ड्रेस पहने हुए, यानी जो कलर कॉम्बिनेशन था वो बहुत क्यूट लग रहा था। आज की जो तस्वीरें हैं उसको थोड़ा एलाबोरेट करें आप। ये सोनाक्षी सिन्हा की जो एंट्री थी वो बहुत ही सादगी थी, और सोनाक्षी सिन्हा ने आज जो अपना गेटअप लिया था, उन्होंने एक सिंपल सी वाइट साड़ी, अच्छा उनके ड्रेस जो वेडिंग ड्रेस है उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा ने जो वेडिंग ड्रेस आज पहनी थी वो उनकी मम्मी के शादी के टाइम की थी, उन्होंने वही ज्वेलरी पहनी थी, वही वेडिंग ड्रेस उन्होंने आज पहनी थी, और वो बेहद ही सादगी भरे रूप में उन्होंने एक सिंपल सा बन कैरी किया था, और उन्होंने जब ब्राइडल एंट्री ली उनमें बिल्कुल वही नज़ाकत मुझे देखने को मिली जब उन्होंने दबंग मूवी से अपना डेब्यू किया था, तो जिस सादगी से वो स्क्रीन पर आई थी बिल्कुल वही सादगी देखने को मिली, और जो उनके हस्बैंड है उन्होंने वो भी एकदम सादगी भरे उन्होंने कुर्ता और पजामा उन्होंने कैरी किया था, उनके जो फादर हैं उन्होंने भी पर्पल कलर का एक ड्रेस पहना था, कुर्ता पजामा पहना था, और अपार्टमेंट के अंदर ही उन्होंने कोर्ट मैरिज रजिस्ट्री मैरिज जो उन्होंने की है बहुत ही सादगी भरा, क्योंकि उन्होंने दोनों रिलीजन का जो है मर्यादा जो है वो बांध के रखी, उन्होंने किसी भी धर्म को जो है ठेस नहीं पहुँचाया, और बहुत
बहुत ही सिंपल प्यारी वेडिंग जिसको कहेंगे वो वहाँ पे संपन्न हुई, जिसको तस्वीरें देख के ही शक्ल पे एक स्माइल सी आ जाती है कि फाइनली अगर 7 साल से कोई रिश्ता अगर एक शादी के बंधन में बंधना चाहता है उसका फाइनली वो बंध जाता है तो वो देखना कितना खूबसूरत होता है खुद में ही। अभी हम न्यूज़ रूम में भी डिस्कस कर रहे थे वो शादी की तस्वीरों को लेकर, वो तमाम चीज़ों को लेकर कि उन्हें खुद में क्या फील किया होगा जब वो वहाँ पे खड़े होकर उस चीज़ को साइन कर रहे होंगे और एक दूसरे को देख के बोल रहे होंगे कि वी फाइनली मेड इट टिल हियर। वो बहुत खूबसूरत है खुद में ही। बिल्कुल तस्वीरें खूबसूरत है नीतीश, और इस बात को जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया सोनाक्षी ने तो लिखा कि अब हम पति पत्नी हैं और 7 साल के प्यार का उन्होंने जिक्र किया। एक लंबा समय होता है और अब एक दूसरे पर भरोसा, यहाँ तक साथ निभाना एक बड़ी बात है अपने आप में। जी बिल्कुल, देखिए 7 साल का ये बेहद खूबसूरत सफर रहा है, बहुत ही सीक्रेट जो है ये पूरा रिलेशनशिप जो है शुरुआत से ही रखा गया था, इसलिए बहुत अच्छे लगाई गई जब उन्हें कैफे में एक साथ देखा गया, एक दूसरे के भट्टे बैग पे जो है एक साथ देखा गया, उस समय अच्छे लगा गई। लेकिन कभी भी इनके तरफ से इन सारी बातों पर जो हानि नहीं भरी गई, लेकिन जब शादी की बात और शादी को लेकर चर्चा हुआ उसके अंदर से आज शादी हुई तो बहुत ही खुशी से जो है ये बात सोशल मीडिया पर सोनाक्षी सिन्हा ने अपने फैंस को और लोगों को जो है बताया कि अब हम जो है पति पत्नी हो गए बन गए। बिल्कुल आरुषि, क्योंकि काफ़ी दिनों से शादी का जो सवाल है वो सोनाक्षी के पीछे पीछे चल रहा था। कपिल के शो में भी जब वो पहुंची थी तो उस दौरान भी उनसे सवाल किया गया था, तब उन्होंने बताया था कि वो कितनी एक्साइटेड है, वो चाहती है कि जल्द से जल्द शादी हो जाए, और आज वो दिन आ गया। वो दिन आ गया और मुझे याद है एक बार मैंने भी आपसे पूछा था कि मैम कब सोनाक्षी सिन्हा की शादी होगी, क्योंकि उनके शादी को लेकर काफ़ी सस्पेंस, डेट को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहा था। हल्दी और मेहंदी के बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी शादी की फ़ोटो सामने आएगी। सोनाक्षी सिन्हा खुद भी अपनी शादी की खबरों को लेकर, उस न्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही थी। हालाँकि जब उनकी ये खबर सामने आई थी कि सोनाक्षी सिन्हा जो है अदर कास्ट में शादी करने जा रही, तो उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, काफ़ी बंटवारा हो गया था फैंस का, एक सोशल मीडिया वॉर छिड़ गई थी। लेकिन उसके बाद भी अब जब शादी की जब न्यूज़ सामने आई है, फ़ोटो सामने आई है, तो अब फैंस जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और चीज़ें अब पॉजिटिव साइड्स में नज़र आ रही है, और फैमिली भी खुश है, ब्राइड खुश है, ग्रूम खुश है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। एक हैप्पी एंडिंग सब चाहते हैं उनकी, उनका रिलेशनशिप का भी एक हैप्पी, अब तो कहेंगे बिगनिंग हो गई उनकी शादी की, लेकिन जो एक साइलेंट वॉर थी वो ब्रेक हो गई, इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात है। बिल्कुल खुशी का मौका है, और सोनाक्षी और जहीर ने जितनी सादगी से शादी की है उससे आरुषि कहीं ना कहीं जो ट्रोलर्स वेट कर रहे थे कि उन पर कमेंट करेंगे उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर्ड मैरिज की है और उन तभी जो जितनी भी अफवाहें चल रही थी उन सभी कयासों पर विराम भी लगा दिया। तो पे विराम लग गया, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बेस्ट वे चूज़ किया है सोनाक्षी ने शादी करने का, क्योंकि उन्होंने अपने फैंस का दिल भी रखा, उन्होंने हेटर्स को कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया, उन्होंने अपने फैमिली को भी एक प्रायोरिटी पे रखा, उन्होंने अपने प्यार को एक प्रायोरिटी पे रखा, 7 साल के रिलेशनशिप को वो एक अच्छे नोट पर लेकर आई, और एट द एंड सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव रहा। फोटोज़ देख के सबके सब बहुत खुश हैं, और मुझे लगता है कि सोनाक्षी सिन्हा ने जब फर्स्ट टाइम जहीर को जब सलमान खान की शादी पे देखा होगा तब शायद उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि 7 साल का इंतजार उनको करना पड़ेगा इस दिन को देखने के लिए, और आज जब फाइनली उन्होंने ये दिन जब देखा होगा, जब उन्होंने साइन किया होगा, तो जो फीलिंग सोनाक्षी सिन्हा ने उस समय या फिर जहीर ने फील की होगी वो मोमेंट ही कुछ और रहा होगा। और मतलब फैंस का दिल रखना, उसका फिर हेटर्स को भी एक पॉइंट ना देना कि आप कुछ बोल सके उस चीज़ पे, ये खुद में एक बहुत बड़ा बैटल है जो कोई ना कोई इनसाइड अपना फेस कर ही रहा होता है, तो एक अच्छा नोट है सोनाक्षी सिन्हा के लिए। मुझे तो लगता है कि हमें बेस्ट विशेस देनी चाहिए, और उनकी वेडिंग की देख ली, अब बहुत जल्दी उनका जो आफ्टर पार्टी है उसकी फ़ोटो सामने आएगी, रिसेप्शन फ़ोटो सामने आएगी, अभी तो बहुत कुछ है जो देखना मज़ेदार होगा। बिल्कुल आरुषि, ठीक कहा आपने, एक अच्छी शुरुआत हुई है, एक हैप्पी बिगनिंग है, और इंडिया न्यूज़ की ओर से भी सोनाक्षी और जहीर को शुभकामनाएं कि उनकी शादी अब हो गई है, और भी तस्वीरें हैं जो अलग अलग फंक्शंस की अब सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।